और स्मार्टी लोग कैसे हो। वैसे आप देख रहे हो मास्टर मेडेक और मेरा नाम है रोहन। तो आज हम स्पीड टेस्ट करने वाले हैं एंड्रॉइड का सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइस और आईओएस का सबसे पावरफुल फोन। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे हाथ में आईफोन 11 और मैं वैसे शूट कर रहा ROG 3 से। मैं दोनों के बीच में स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाला हूँ, देखते कौन कितना पावरफुल है। इन टर्म ऑफ स्पेक्स ROG 3 ज्यादा बेटर है कंपेयर टू आईफोन 12। क्या ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कंपेयर हो सकता है, मतलब जब भी मैं स्पीड टेस्ट करूंगा इसमें से आईफोन जल्दी ऐप्स खोल सकता है ROG 3 के? लेट्स सी। मैं तो स्पेसिफिकेशन भी बोल देता पहले। ROG 3 में आपको देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 865 प्लस 8GB रैम 128GB इंटरनल। इसमें आपको रैम LPDDR5 मिलता है, स्टोरेज UFS 3.1 और जो आईफोन है उसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल और प्रोसेसर तो A14 बायोनिक चिप है। तो अभी कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, जैसे कि देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमारे पास ROG फोन 3 और राइट साइड में आईफोन 12। तो देखते हैं सबसे पहला बूटअप कौन करता है। तो मैंने दोनों फोन को स्विच ऑफ रखा है, वैसे ऑन द काउंट 1 2 3 एंड गो। जैसे कि देख सकते हो ROG फोन 3 ने जल्दी चालू किया है और मैं एक बार पासवर्ड डाल देता हूँ दोनों फोन में। जैसे कि देख सकते हो दोनों फोन वाईफाई से कनेक्टेड है, ये दोनों सेम वाईफाई है और मैं इसका ब्लूटूथ एक बार बंद कर देता हूँ। हाँ या तो जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन में थोड़े बहुत एप्लीकेशन है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार, सबवे सफर, S49, पबजी, काइन मास्टर, एंटीडू बेंचमार्क। तो देखते कौन सा फोन सबसे पहला चालू करता। तो पहले शुरुआत करते हम अमेजोन से। 1 2 3 जैसे कि देख सकते हो कि ROG फोन 3 ने शायद तक जल्दी चालू किया है और नीचे अभी दूसरे एप्लीकेशन में जाते हैं हम और अभी फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 जैसे कि देख सकते हो ROG फोन 3 को लग रहा ही नहीं है कि कोई ऐसा ये टास्क है, कुछ है भी, एकदम फटाक से खोल रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पर जाते हैं, गाना, ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3। तो गाना ऐप आईफोन ने जल्दी खोला। अब नेक्स्ट ऐप पर जाते हैं। नेक्स्ट ऐप है हमारा इंस्टाग्राम। 1 2 3 ओके, तो दोनों ही फोन ऑलमोस्ट एकदम सेम चालू किए। अब नेक्स्ट चालू करते हैं फेसबुक, ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3। फेसबुक में दोनों एक साथ स्टार्ट हुए। स्पॉटिफाई 1 2 3 स्पॉटिफाई आईफोन ने जल्दी चालू किया। अब जाते हैं हॉटस्टार पे। 1 2 3 तो ROG फोन 3 ने स्लाइटली जल्दी चालू किया है। अब नेक्स्ट ऐप पे जाते हैं सबवे सफर, ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 तो सबवे सफर आईफोन ने जल्दी चालू किया। अब एक चीज नोटिस करना, आईफोन में गेम्स ज्यादा जल्दी चालू होता है कंपेयर टू एंड्रॉइड। तो अभी मैं हम लोग S4 9 पे चालू करते हैं, ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3। जैसे कि देख सकते हो मैंने दोनों ही फोन में सेम टाइम में टच किया पर आईफोन ने थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स किया, तो ये थोड़ा वियर्ड लगा मुझे। और मैंने इसके पहले भी देखा था तो दोनों ही फोन में ऐसे रिजल्ट आया था, मतलब ऐसे थोड़ा लेट चालू करता है। तभी बूटिंग का टाइम वेट करते हैं। ओह वाव, ROG फोन 3 ने बहुत जल्दी चालू कर दिया, अभी तक आईफोन लोड कर रहा है। तो लेट्स सी, वेट करते कब तक चालू होता है। तो देख सकते हो कितना देर बाद चालू किया इसने। तो अभी हम दूसरे ऐप पे जाते हैं। दूसरा ऐप यार बहुत दिल के करीब है, वैसे पबजी कोरियन मोबाइल है तो, और ROG फोन 3 और पबजी का आईफोन 12 का कंपैरिजन बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल पे स्टे ट्यून रहना, ठीक है। तो पबजी चालू करते हैं। 1 2 3 ओहो भाई, पबजी यार बहुत मिस कर रहा है यार मैं उसको, पबजी को यार। अगर पबजी फैन लवर हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर बनता है भाई। ओ वाह, आईफोन ने जल्दी पबजी चालू कर दिया है, थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। तो अभी नेक्स्ट ऐप पे जाते हैं। नेक्स्ट ऐप है हमारा काइन मास्टर। तो काइन मास्टर में हम लोग एक वीडियो को इस पे रखते हैं, मतलब
एडिटिंग, मतलब वो फाइल को हम लोग ऑन करके रखते हैं, ये सब टास्क खत्म हो जाने के बाद हम लोग उसको ये करेंगे, एक्सपोर्ट मारेंगे, देखते कौन जल्दी करता है 16:9. अब जाते हैं एंड्रॉइड बेंचमार्क में, ऑन द काउंट ऑफ 1, 2, 3. अच्छा, तो एसूस ने अपने फ़ोन में एक्स मोड ऑन कर दिया, और इसने एक्स मोड, इसमें तो एक्स मोड है ही नहीं, इसको ज़रूरत ही नहीं है भाई. तो दोनों को स्टार्ट, काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं ऑन द काउंट ऑफ 1, 2, 3. जैसे कि देख सकते हो आईफोन ने ROG 3 के पहले कंप्लीट कर दिया. यार मेरे को आईफोन में समझ में नहीं आता, ये हेक्सा कोर है और ये ऑक्टा कोर है, मतलब इसके 6 कोर ही इसके 8 कोर एकदम ना मच्छर जैसा बीट कर देता. देखो जैसे देख सकते हो ये एंड्रॉयड का सबसे फास्टेस्ट फ़ोन है और ये आईफोन है. मैं वीडियो में बोला था कि देखो आईफोन का कितना पावर ज़्यादा है, ये एंड्रॉयड का फास्टेस्ट फ़ोन होके भी, इसमें 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट होके भी 60 हर्ट्ज़ के सामने हार जा रहा है. वैसे कि इसमें हर्ट्ज़ मैटर नहीं करता है, पर ओवरऑल ये फ़ोन कितना जल्दी मतलब कंप्लीट कर दिया टास्क, मेरे को तो बहुत ही मैं शॉक टू देख के. चलो अभी वेट करते हैं ROG फ़ोन 3 का. इसमें 6,28,000 का स्कोर आया, फिर भी यार 5 लाख के सामने ये हार गया है, तो थोड़ा देख के मुझे शर्म भी आ रहा है. तो या अभी हम लोग नेक्स्ट ऐप पे चलते हैं, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनमास्टर में. ऑलराइट गाइस, जैसे कि देख सकते हो मैंने ये 2 फुटेज आईपैड से रिकॉर्ड किया है और मैं दोनों को साथ में एक्सपोर्ट करूँगा सेम रेजोल्यूशन सेम FPS पे, देखते कौन सबसे पहला करता है. तो हम लोग अभी एक्सपोर्ट पे जाते हैं और रेजोल्यूशन सिलेक्ट करते हैं फुल HD 30 FPS दोनों ही फ़ोन में सिलेक्टेड है ऑन द काउंट ऑफ 1, 2, 3. अच्छा तो दोनों में ये आया, तो स्किप कर लेते हैं. ROG फ़ोन 3 का जो कोर स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उसने जल्दी कंप्लीट कर लिया. तो अभी मेरे कंक्लूजन पे आते हैं. ऑल राइट गाइस, कंपैरिजन देगा, स्पीड देगा किसका ज़्यादा पावरफुल है. अब मैं नहीं बोलूँगा कि किसका स्पीड ज़्यादा अच्छा या बुरा है, आप जज करना, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो आप बायस्ड हो जाते हो, इसलिए मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ. और थोड़ा मुझे टेक्निकल वे से एक्सप्लेन करना कि क्यों, मतलब स्पीड टेस्ट में कौन एक्चुअली जीता है. जो अच्छे वे से एक्सप्लेन करेगा मैं उसका कमेंट पिन करूंगा और उसको हार्ट भी दूंगा. जो अभी वीडियो को जल्दी देखते हैं मैं उसके कमेंट को लाइक भी दे रहा हूँ आजकल, ठीक है. तो हाँ, तो आप अपना ओपिनियन दो. और मैंने रैम मैनेजमेंट ये वीडियो में क्यों नहीं दिखाया, मैं एक एक्सट्रीम रैम टेस्ट लेके आने वाला हूँ, मतलब एक्सट्रीमली, मतलब मैं इसमें बहुत सारे ऐप खोलूँगा दोनों ही फ़ोन में, देखता हूँ कि iOS का वो 4 GB रैम और Android का 8 GB रैम
डिफरेंस बना सकता है, तो वो वीडियो के लिए जरूर स्टे ट्यून रहना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।